ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में सारे राजनीतिक समीकरण बदल गए। बता दें आपको कि सिंधिया के इस्तीफे के साथ साथ लगभग 22 विधायकों ने, कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, और जिससे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई। और साथ ही साथ बता दें आपको कि इसके बाद लगभग 15 महीने बाद फिर से बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज सरकार वापस आई। बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिसके सिंधिया काफी करीबी माने जाते थे, आखिर वो कौन सी वजहें थी जिसके कारण उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरियां बनाई। बता दें आपको कि कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सिंधिया परिवार के काफी करीबी नेता प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ने दावा किया कि ज्योतिरादित्य को राहुल गांधी से महीनों से मिलने का मौका नहीं दिया गया। प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ने खुलासा किया कि मुझे पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महीनों से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया। देव वर्मा ने फेसबुक पोस्ट लिख दावा किया कि मैंने देर रात ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके द्वारा हमारे नेता को कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला। देव वर्मा का ये बयान इस बात की गवाही दे रहा है कि राहुल गांधी ने सिंधिया से इतनी दूरी बना ली थी कि उन्हें अपने कभी करीबी रहे मित्र से मिलना तक गवारा नहीं था। चलिए बताते हैं वो खास वजहें जिसके कारण राहुल गांधी को सिंधिया को दरकिनार करना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया था। पार्टी लाइन से हटकर बात करने के कारण पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ राहुल गांधी ने भी अपने अभिन्न मित्र से दूरी बना ली। बता दें कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन करते हुए कहा था कि वो भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूर्ण विलय के लिए उठाए गए कदम का समर्थन करते हैं, ये देश के हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। सिंधिया ने अनुच्छेद 370 के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान के विपरीत है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इसमें भारत की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा और सभ्यता है। वहीं चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद, सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नेतृत्व में अकेले पड़ गए। 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से राहुल गांधी खुद अपने पैर से खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने में जुट गए थे। राजनीति में अपने वजूद को बचाने में जुटे राहुल गांधी अगर सिंधिया की पैरवी करते तो शायद उनकी स्थिति और खराब हो जाती, इसलिए उन्होंने सिंधिया से दूरी बनाना मुनासिब समझा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद से ही सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो देना बंद कर दिया था। इसका कारण सिंधिया का कमलनाथ सरकार को घेरना, मोदी के फैसलों का समर्थन कर पार्टी लाइन से हटकर बात करना तो था ही, साथ ही अगस्त 2019 में भाजपा में शामिल होने के लिए दिग्गज नेता अरुण जेटली से सिंधिया की मुलाकात की भनक लगना था। कांग्रेस सिंधिया को मध्य प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश से राज्यसभा को भेजने को तैयार थी, लेकिन सिंधिया की भाजपा के साथ पक रही खिचड़ी की भनक लगने के बाद सोनिया गांधी सिंधिया से काफी खफा थी। ऐसे में राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष और मां सोनिया गांधी के खसान दिखने की कोशिश के तहत सिंधिया से दूरी बना ली। सिंधिया से इसलिए भी दूरी बनाई क्योंकि ज्योतिरादित्य ने समय समय पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद बागी तेवर अख्तियार कर रखा था, जिस कारण पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहा था। किसानों की कर्ज माफी समेत अन्य मामलों को लेकर आए दिन कमलनाथ को घेरने के कारण कांग्रेस के दिग्गज नेता सिंधिया से नाराज थे। इस कारण भी राहुल गांधी ने सिंधिया से दूरी बनाना ही उचित समझा। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।